बैक टू माई चैनल श्री किचन, होप यू आर फाइन। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही चटपटी और टेस्टी भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ और आप सभी ने जरूर से इसका नाम तो सुना होगा। तो आज की हमारी रेसिपी है कुंदरू की भुजिया की रेसिपी, जिसमें मैंने आलू भी यूज़ करना है और कुंदरू भी। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके से हमारी कुंदरू की भुजिया बनेगी और बहुत बच्चों से बड़ों सभी को पसंद आएगी। आप इसे लंच या डिनर में भी सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर से देखिए। जिन्हें नहीं पता इसकी भुजिया की रेसिपी कैसे बनती है, तो ज़रूर से वीडियो देखिए और फुल वॉच करिए, तभी आप बहुत बढ़िया से सीख पाएंगे कुंदरू की भुजिया। इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए हम आज आपको कुंदरू की भुजिया की रेसिपी सिखाते हैं। तो चलिए रेसिपी से पहले हम इसके सामग्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है कुंदरू, हमारा जो इम्पॉर्टेंट है सबसे कुंदरू। देखिए इसी तरह से हमारा कुंदरू होता है। आलू यूज़ किया है, मीडियम साइज़ के आलू हैं कुछ 5 से 6, और एक प्याज है मीडियम साइज़ के। जिन लोगों को कुंदरू के साथ आलू पसंद है वो ज़रूर से बना सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ कुंदरू की भुजिया ही बना सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ प्याज और आलू दोनों ऐड करना चाहती हूँ। और यहाँ मसाले में मैंने लिया है हल्दी, जिसे आपको 1/2 टेबल स्पून यूज़ करना है, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ लिया है मैंने अमचूर पाउडर, जो कि 1 टेबल स्पून आपको डालना है। ये है हमारा चिली फ्लेक्स, इसे आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, 1/2 आप तीखे के अनुसार डाल सकते हैं। और ये है हमारा भुना जीरा पाउडर, और आप जीरा को क्रश भी कर सकते हैं, भून के क्रश कर लीजिए, आपका भुना जीरा पाउडर तैयार हो जाएगा। इसे आपको 1/2 टेबल स्पून इसे भी ऐड करना है। तो ये रहे हमारे मसाले। तो बस हमारे कुंदरू की भुजिया की रेसिपी बनाने के लिए इतनी ही सामग्री चाहिए हमारे। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरू करते हैं और इसका फुल रेसिपी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें कुंदरू को कट कर लेना है, इसे मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया अच्छे से, और आलू को, इन दोनों को सबको हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ मैंने सब्जी अपनी कुंदरू और आलू और प्याज को कट करने के बाद यहाँ मैंने गैस ऑन की कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैंने पंचफोरन डाल दिया था और बढ़िया से चटक गए हैं। तो अब मैंने यहाँ ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म होने देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बिल्कुल इसी शेप में आपको इतना पतले शेप के आपको कुंदरू कट कर लेना है। और आलू भी आप जैसे नॉर्मल भुजिया के आलू की भुजिया के लिए कट करते हैं वैसे आपको कट करना है। आपको प्याज भी बारीक कट कर लेना है। तो यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका था तो इसमें प्याज डाल देते हैं हम। आप लहसुन भी प्याज के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इस समय पे हम डाल देते हैं अपने कट किए हुए आलू। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आलू को प्याज के साथ मिक्स कर लिया है और इसे आलू को आपको फ्राई कर लेना है 5 से 8 मिनट तक के लिए, क्योंकि जो हमारे आलू होते हैं वो हार्ड होते हैं और हमारा जो कुंदरू होता है वो सॉफ्ट होता है, तो जल्दी पक जाते हैं कुंदरू। तो इसीलिए आपको आलू टाइम लगेगा पकने में, तो इसीलिए आपको 5 से 8 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है प्याज के साथ। यहाँ आलू ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ कुंदरू की भुजिया बना सकते हैं। मैंने बच्चे जो नहीं खाते हैं आप उन्हें आलू डाल के कुंदरू की भुजिया खिला सकते हैं, बहुत पसंद आने वाला है उनको, और नहीं तो आप कुंदरू भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट होने के बाद आपको कुंदरू भी ऐड कर देना है आलू में। तो फ्रेंड्स कुंदरू मैंने डाल दिया, अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, मिक्स कर लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स गैस का फ्लेम मीडियम करके आपको 10 मिनट के लिए ढक देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा 10 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारे जो आलू हैं वो कुरकुरे और कितना टेस्टी दिखने में लग रहे हैं। तो इस टाइम पर अब हमको नमक ऐड कर देना है स्वाद अनुसार, मान के चलिए 1 टेबल स्पून नमक यूज़ होगा, और फिर इसे हम मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो नमक ऐड करना है वो आपकी जब जो भुजिया है आपकी आधी पक जाए तब आपको नमक ऐड करना है। तो ये सबसे सीक्रेट टिप है कि आपकी भुजिया कुरकुरी बनेगी अगर आप बाद में आधा पकने के बाद नमक ऐड करेंगे। बहुत लोग ये तरीका नहीं जानते हैं जिससे कि उनकी भुजिया कुरकुरी नहीं बनती है, तो आप ज़रूर से ये तरीका अपनाइएगा और भुजिया को अपने क्रिस्पीनेस दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम डालेंगे अमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, और अमचूर पाउडर का हम चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देते हैं और इसे को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। आप अमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला या फिर 1 स्पून नींबू का रस, लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इन चीज़ों को मिला देते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और चटपटी भुजिया बन के तैयार है। और मिक्स करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे सर्विंग के प्रोसेस में ले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी भुजिया कितनी टेस्टी और क्रिस्पीनेस है, ये देखिए। तो चलिए अब हम फटाक से इसको सर्व करते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा टेस्टी क्रिस्पी चटपटा कुनरू और आलू की भुजिया। अब हम जो हमारा भुना जीरा पाउडर था ना, उसको हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं और इस पे हम पुदीने के पत्ते से गार्निश कर देते हैं। लीजिए, हमारा बनके पूरी तरह से आलू और कुनरू की भुजिया तैयार है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना टेम्पटिंग लग रहा है इसका स्ट्रक्चर। आपको भी ज़रूर देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा, और आए भी क्यों ना, इतना टेस्टी और क्रिस्पी और चटपटा जो बना है, मुझे भी बहुत आ रहा है पानी। चलिए चलते हैं, अब इसे आप रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अपने गेस्ट को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी हमारा भुजिया आलू और कुनरू की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।